केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ में द्रव की तीन अवस्थाएं नेक्स्ट वीडियो में पहले बता चुके हैं। द्रव की तीन अवस्थाओं के कुछ भौतिक गुणों की तुलना करेंगे। भाई हमने बताया था ठोस द्रव गैस, इसमें परिभाषाएं बताई थी मैंने ठोस द्रव गैस की। ठोस की बताई थी कि इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। जैसे आपका बोर्ड हो गया, टेबल हो गई, कुर्सी, मेज, कुछ भी कह सकते हैं। द्रव में जल हो गया, दूध हो गया, इसमें आकार अनिश्चित होता है। जैसे द्रव है, द्रव को गिलास से भरोगे गिलास के आकार का हो जाएगा, थाली में भरोगे थाली के आकार का हो जाएगा, लेकिन जो आयतन है वो निश्चित रहता है। माने द्रव जितना देंगे आप उतना रहेगा, कम ज्यादा नहीं होता है। इसी तरह गैस, गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें तुलना करेंगे, जैसे आकार की बात करते हैं तो ठोस में निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है, गैस में अनिश्चित होता है। पहला नंबर आप इसको बता देंगे, माने अगर तुलना आती है तो आप पहला नंबर में गुण में आकार लिखेंगे, आकार में लिखेंगे ठोस में निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है, गैस में अनिश्चित होता है। इसी तरह आयतन दूसरा नंबर में आयतन में लिखेंगे, आयतन में देखेंगे कि आयतन ठोस का निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। घनत्व की बात करेंगे, घनत्व में द्रव से अधिक होता है, ठोस का जो घनत्व होता है वो द्रव से अधिक होता है, द्रव में गैस से अधिक होता है, गैस द्रव में गैस से अधिक होता है, गैस में ठोस द्रव दोनों से कम होगा। इसी तरह ताप वृद्धि की बात करें, अगर ताप बढ़ा दें, ठोस एक राड को गर्म, एक लोहे की राड को गर्म कर रहे हैं, जितना ताप आप लोहे की राड को दो, द्रव को दो, फिर गैस को दो, तीनों को एक साथ दिया और तीनों को मैंने एक ताप दिया, मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो इसमें ठोस में अधिक फैल जाएगा। कैसे फैलेगा? क्योंकि भाई हम एक राड को पकड़ते हैं हाथ से और अगर आगे का सिरा गर्म करते हैं तो देखो धीरे धीरे पूरे राड गर्म हो जाती है, माने पीछे भी आपको ताप आ जाता है। ठोस से अधिक फैलेगा, द्रव में और ज्यादा फैलता है, गैस में बहुत अधिक फैलता है, क्योंकि इसके जो हमारे ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। इसके कण हमारे कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। इसके जो कण होते हैं सारे चिपके होते हैं, बिना एक पास में एक दूसरे के, और इसमें गैस में थोड़े मॉलिक्यूल्स द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। दाब की बात करें बहुत कम लगता है इसमें भी, और कम हो जाता है ठोस से कम रहेगा, उसमें सबसे अत्यधिक दाब लगता है। बहने की क्षमता ठोस में बिल्कुल नहीं होती है, ठोस है कोई चीज अगर रखी है तो वैसे रखी जाएगी, बहेगी ऊष्मा से नीचे की ओर, अगर जैसे बर्फ है उसको अगर आप थोड़ा सा ऊष्मा देंगे तो वो नीचे की ओर बहती हुई चल देगी। इसमें क्या होता है, चारों ओर विसरित होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। थैंक्स बेटा।